हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। जो आखिरी मैंने वीडियो बनाया था वो था गोमान तक, मतलब उसको भी 2 हफ्ते हो गए। और जो अभी जो वीडियो आ रहे हैं हर 4-5 दिन में, वो काफ़ी पुराने वीडियो हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, इसीलिए घर पर आके एडिट करना पड़ता है। और एक बार हम लोग घर पर आ गए तो फिर काम में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता है, तो वक्त निकाल निकाल के हमको वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और मैं फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे मालूम है मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं और आगे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जैसे आपने देखा है टाइटल में, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू व्लॉगिंग एंड मोटरसाइकिल। तो काफ़ी दिनों से कुछ प्रोडक्ट आए थे, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि वो क्या है। तो बने रहिए तब तक। तो गाइस, ये जो पहला प्रोडक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया ये आके। तो दिस इज़ मोटरसाइकिल कैमरा ब्रैकेट, जो मोटो वुल्फ का है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों मंगाया। ये ब्रैकेट आपके हैंडल पे माउंट होता है, इस पर आपका GoPro या तो फिर कोई भी एक्शन कैमरा माउंट कर सकते हो। इसके साथ क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। ये कुछ इसकी साथ में आई हुई एक्सेसरीज है। ये कुछ लिटरेचर है, लेकिन शायद से ओके, ये इंग्लिश में भी है और चाइनीज़ में है। तो ये लिटरेचर है, अगर आप नहीं समझ सकते हो तो इसको रेफ़र कर सकते हो, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको साइड में रखते हैं। ये पन्नियाँ साइड में रखते हैं। तो ये मेन यूनिट है, आप देख सकते हो। इसको आप लूज़ करोगे तो इसमें ये बॉल है दोनों तरफ। तो मतलब आप जिस पोजीशन में उसको रखना चाहते हो आप इसको रख सकते हो। और साथ में ये जो आया है, ये है आपके मिरर पर आप माउंट कर सकते हो। फिर आपको इसको ये निकालना है, आपको बताता हूँ। ये निकाल के आपको ये डालना है, इसको टाइट करना है। तो ये आपके ये पीस, ये पोर्शन आपके मिरर पे लगेगा, समझो। अब ये मिरर है, अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो ये ऐसे फिक्स हो गया और इस पर आएगा कैमरा, आपका एक्शन कैमरा। अगर आप मिरर पे नहीं लगाना चाहते हो तो ये स्पेशली ये मोटो वुल्फ का लेने की वजह ये थी कि इसमें ये भी ऑप्शन था कि आप इसको सीधा हैंडल के ब्रैकेट में, आप सीधा हैंडल में ब्रैकेट में इसको फिक्स कर सकते हो। तो ये रह गया साइड में। तो ये 2 U ब्रैकेट्स है, आप देख सकते हो, छोटा है एक बड़ा है। मतलब आपका छोटा हैंडल रहेगा तो उसके लिए है, अगर बड़ा रहेगा पाइप साइज हैंडल का तो उसमें ये लगेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो ये सीधा ऐसे फिक्स होएगा हैंडल में और ऊपर यहाँ पे कैमरा लगेगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको मतलब मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। साथ में ये छोटा स्पैनर दिया है टाइट करने के लिए, तो इट्स ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, आप खुद ही इसको कर सकते हो। तो ये अभी हम ये साइड में रखते हैं, ये एक प्रोडक्ट था। इसके अलावा तो गाइस, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये बेसिकली ये वाटरप्रूफ केस है हमारे DJI Osmo के लिए। इसमें ये कैमरा बैठेगा, इसको आपको बंद करना है। बंद करते समय देखिए यहाँ पे ये रबर लाइनिंग है, ये कभी कभी बेंड होता है बंद करते समय। इसको परफेक्ट लगा के इसको आप लॉक कर सकते हो। इसको मैंने टेस्ट किया है, मतलब पानी, इस पर मैंने वज़न थोड़ा रख के इसको पानी में डुबा के रखा था ऑलमोस्ट पूरे रात। एक नाइट मैंने इसको डुबा के रखा और दूसरे दिन मैंने चेक किया कि अंदर कहीं पर पानी आया कि नहीं, तो इट वॉज़ एब्सोल्युटली ड्राई, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली वाटरप्रूफ। इसके अलावा हमने ये
स्क्रैच कार्ड मंगाए हैं, अभी मैं खोलूंगा नहीं, आप समझ सकते हो मेरे डीजे ओसमो एक्शन कैमरा में ऑलरेडी ये स्क्रैच कार्ड लगे हुए हैं, लेकिन मैंने ये फिर भी ये सेट मंगाया। क्यों? क्योंकि ये है प्लास्टिक की केस है, तो इस पर विथ यूसेज स्क्रैच आ सकते हैं, और स्क्रैच आएगा तो फिर पिक्चर क्वालिटी ख़राब होगी। तो इसके ऊपर मैं स्क्रैच गार्ड लगाने वाला हूँ आगे, और यहाँ पे भी मैं स्क्रैच गार्ड लगाने वाला हूँ, ताकि मुझे जो मैं शूट कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा मुझे दिखाई दे और इस पर स्क्रैच ना आए। यहाँ पे और एक आता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ये वाली स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे। चलो देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर तीन है तो इट विल बी अ वेस्ट। हम लोग इसको अभी वापस लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे एक्शन कैमरा के स्क्रैच गार्ड काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं इनको लगाऊंगा इस ताकि ये स्क्रैच प्रूफ। इसके अलावा वी हैव यस, और एक चीज़ है जो काफ़ी दिनों से मुझे लेनी थी, बट क्या है जो चीज़ है आप देखोगे इतनी छोटी चीज़ है और काफ़ी महंगी है। महंगी एज इन कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि इतनी छोटी चीज़ की कीमत इतनी होनी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ SC3 रोड का, ये TRRS से TRS को कन्वर्ट करता है। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं जहाँ पे काफ़ी सारा वॉइस डिस्टॉर्शन है, हाई स्पीड पे वॉइस डिस्टॉर्शन आता है, तो मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियो देखे थे जहाँ पे इन्होंने स्विच किया SC3 पे रोड का, जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्शन काफ़ी हद तक चले गए। मैं ये नहीं बोलूँगा ज़ीरो हो गए, लेकिन या डिस्टॉर्शन कम हो गए। इसको मैंने खोल के देखा था क्योंकि टेस्ट करना था, इसको मैं फिर से एक बार खोलता हूँ। तो दिस इज हाउ इट इज़। इस छोटे पीस की कीमत है 1200 रुपीज़, बट रोड ब्रांड है, तो ब्रांड के साथ उसकी रॉयल्टी भी आती है, तो दिस इज़ फॉर 1200 रुपीज़ दैट आई गॉट, कुछ 1100 समथिंग में पड़ा है, मेरे को एग्जैक्ट कीमत मालूम नहीं है। तो दिस इज़ TRRS टू TRS कन्वर्टर। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक्शन कैमरा के साथ माइक यूज़ करते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट है। आप बोलोगे यार क्या लगाया है इतने सारे प्रोडक्ट साथ में, तो चलो काफ़ी दिनों से ये प्रोडक्ट आए थे। ब्लूटेक, शायद से आपने इसकी वीडियो देखे रहेंगे। तो ये बेसिकली ये देखिए आप सकते हो, दिस इज़ लाइक क्ले, जैसे बच्चों का क्ले आता है ना वैसे ही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि एक्शन कैमरा के जो साइड में जहाँ पे आपका माइक लगता है, मतलब बारिश में ये वाटरप्रूफ होता है, लेकिन डीजे ओसमो के लिए मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि उसका अडाप्टर अलग है और हीरो का अडाप्टर अलग आता है। तो हीरो का अडाप्टर एक परफेक्ट पिन आता है जिसके बाद साइड में आप इसको लगा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा डीजे ओसमो का मुझे डाउट है कि ये वाटरप्रूफ होएगा कि नहीं, क्योंकि उसका अडाप्टर स्क्वायर में अडाप्टर लगता है और जो उसके स्लॉट में जाता है उसके पीछे मेमोरी कार्ड भी है। तो कोशिश करेंगे हम ये लगाने का, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मंगा के रखते हैं, कभी ज़रूरत पड़ा तो इस्तेमाल करेंगे। तो आज दोस्तों हमने 4 प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग की है। इसका फिटिंग कैसे होता है इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। आज वीडियो बनाने की वजह यह है क्योंकि इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स कल इस्तेमाल हो जाएंगे, और इस्तेमाल जब भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उस पर धूल मिट्टी वो नयापन रहता नहीं है। कल हम एक तगड़ी वाली राइड पर जा रहे हैं, जब मैं कहता हूँ कि तगड़ी वाली राइड, इसका मतलब ये नहीं हम लंबी राइड पर जा रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। इट्स एन हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, मुंबई के नज़दीक है, ये मैं हिंट देता हूँ। अब मैं बताऊँगा नहीं मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, आप गेस करके कमेंट कर सकते हो कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी सालों के बाद इस जगह पे जा रहा हूँ, जबकि ये जगह काफ़ी नज़दीक है, मतलब सबसे नज़दीक वाला हिल स्टेशन अगर मुंबई से है तो यही है। तो काफ़ी सारे हिंट मैंने आपको दिए हैं कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि तो ये मेरे व्यूइंग आवर्स में ऐड होते हैं, और अक्टूबर में मेरा 1 साल हो रहा है यूट्यूब स्टार्ट करके, और उसके लिए मुझे 4000 घंटे चाहिए, और
मैं मेरी मंजिल से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन मैं ये करते रहूँगा जब तक कि कामयाबी नहीं मिलती है। तो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए पीस।